हेलो जी, गुड मॉर्निंग तो नहीं बोलूँगी, गुड नाइट ही हो रही है। बट अभी मैंने एनालाइज़ किया कि आज 24th है यार, कल 25th है। 25th दिसंबर हमारी लाइफ में बहुत स्पेशल प्लेस रखती है, क्योंकि हमने पता नहीं नोइंगली और अननोइंगली हमने कुछ भी स्पेशल किया है ना, तो वो हमारा 25th दिसंबर को ही हुआ है। हमने फर्स्ट गाड़ी जो परचेज़ की थी 25th दिसंबर को हमारे घर डिलीवर हुई थी। हमने सेकंड कार जो ली थी वो भी 25th दिसंबर को आई थी। और जो हमारा घर का डिसीजन हुआ था कि फाइनल करना है वो भी 25th दिसंबर। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें लाइफ की जो हैं वो 25th दिसंबर को ही फाइनलाइज हुई है या प्रोडक्टिविटी में आई है। तो मैं सिर्फ उन मोमेंट्स को सेलिब्रेट करना चाह रही थी क्रिसमस के सेलिब्रेशन के साथ। तो अभी दिया तो है नहीं, बट दिया को क्रिसमस बहुत पसंद है, तो वो तो वहाँ इन्जॉय करेगी अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मैंने पापा बेटे के लिए और अपने लिए एक छोटा सा अरेंजमेंट अभी किया है, ब्लिंकिट किया है, जोमैटो किया है, थोड़ा बहुत एक पार्टी अरेंज की है कि हम तीनों बैठ के एक छोटा सा सेलिब्रेशन, थैंक्स अपने भगवान को, बस वो सेलिब्रेशन के थ्रू करते हैं। तो मैं ये सब पहली बार कर रही हूँ, क्योंकि मैंने कभी भी इस तरह से इनिशिएट नहीं किया अपने आप से। बच्चों के लिए ज़रूर किया है, दिया जब होश में आई थी दिया सारे त्यौहार सेलिब्रेट करवाती थी, सारे उस स्कूल जाना शुरू हुई थी ना, तो स्कूल को पता है प्ले स्कूल में ही शुरू हो जाते हैं, आज क्रिसमस है, आज गांधी जयंती है, आज ये है, आज वो है, तो सब तरह के सेलिब्रेशंस उसके साथ हमने किए थे। तो अभी दिया को तो मिस करूंगी, बट एक छोटा सा जेस्चर, एक थैंक्स गिविंग है मेरी तरफ से गॉड को, भगवान को, भगवान को, परमात्मा को, कि उन्होंने जो भी दिया आज तक, अच्छा बुरा सही गलत जो भी मिला है हमें, उन सब चीज़ों के लिए। क्योंकि 25th मैंने बताया ना, बहुत स्पेशल डेट है 25th दिसंबर हमारी लाइफ में, तो सेलिब्रेट करना तो बनता है। तो वेट कर रही हूँ, ब्लिंकिट कर चुकी हूँ और जोमेटो भी कर चुकी हूँ, और दोनों ऑन द वे है ऑर्डर। तो अभी मैंने उन दोनों को नहीं बताया है, जैसे ही कोई आएगा तो उनको सरप्राइज़ मिलेगा। और एक छोटा सा मैंने क्रिसमस ट्री भी मंगवाया है, जस्ट टू इन्हेंस द लुक, थोड़ा सा सेलिब्रेट करते हैं। चलिए आपको भी दिखा। मैं प्रिपरेशन करके बैठी हुई हूँ, 10 मिनट रह गए सिर्फ 12 बजने में। ये देखो, दो मेंबर यहाँ बैठे हैं और दो मेंबर वहाँ बैठे हैं। ओ पीछे पीछे, पास नहीं आना। ये छोटा सा एक प्रिपरेशन मैंने किया है आज। कौन काटेगा केक? सेमी काटेगा, सेमी काट। तू तू छोटा सेंटा है ना हमारा, मैं सेंटा हूँ, गाड़ी तो काट ली मैंने आज। छोटा है ना तू, सबसे छोटा है ना, तू काटेगा। ये तो मुंह मार देगी जिसको लेके बैठा है। ऐसे ही होता है ये। मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, वेरी मैरी क्रिसमस। निकाल लो, इसे निकलेगा नहीं। हाँ पता है, ये तू तो खाएगा नहीं। मैं तो खाऊंगा। ये लो, ये लो। पापा खाते हैं आप रंग केक? प्लम केक है बेटा, रम केक नहीं है। क्या रम केक? रम केक ही तो है। नहीं, प्लम प्लम केक है, इसमें रम नहीं है। नहीं, तो वो जो जैका बंगल लेते थे वो रम केक, वो घर में बनाते हैं ना। बहुत टेस्टी है। ये लो केचप। मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। बोल तो दिया मैरी क्रिसमस यार, खुश रहो। तू भी बोल लड़ाका। चलिए, ये बस हमारा सेलिब्रेशन शुरू हो गया है क्रिसमस का। इसके अलावा ज़्यादा हमारे को कुछ आता नहीं है करना। चलिए जी, हो गया छोटा सा सेलिब्रेशन, खा पी लिया और बस डांस वांस तो दिया होती है तो होता है, अदरवाइज तो हम सीधे साधे लोग हैं, बस खा पी के इंजॉय कर लेते हैं। लाइट नहीं आ रही। हाँ, तो खा पी के इंजॉय कर लिया हमने, और अब हम, मेरे साथ तो दो जो है ना बहुत ही थके हुए लोग हैं, उनको तो फ़ोन से फुर्सत ही नहीं है, तो डांस वांस करना तो बहुत दूर की बात है। तो बाकी का जो सेलिब्रेशन है वो दिया कर रही होगी वहाँ पे। चलिए गुड नाइट कर लेते हैं, कल सुबह मिलते हैं आपसे। गुड नाइट फ्रेंड्स एंड मैरी क्रिसमस टू ऑल, बाय, मॉर्निंग में मिलते हैं। हेलो जी, सॉरी आज सुबह से मैं वीडियो ऑन ही नहीं कर पाई, क्योंकि मैं उठी थी 2 बजे थी, और 2 बजे उठते ही जब दिया आई तो चाय वाय नाश्ता वास्ता इन सब चीज़ों में लग गई। अभी मैं निकल चुकी हूँ घर से, जिनके घर मुझे जाना था उनके लिए। पहले
वो मेरी मैम है, टीचर है, उसके बाद मेरी फ्रेंड है, मेरी चाची है, उसके बाद अब वो मेरी सब्सक्राइबर भी है। तो मैं उनके घर जा रही हूँ उनसे मिलने, काफ़ी टाइम बाद, शायद मेरी शादी के 25 साल हो गए, तो शायद 25 साल बाद इस तरह से उनके घर जा रही हूँ, उससे पहले मैं जा ही नहीं पाई हूँ। तो बस चलते हैं, मिलते हैं उनसे और करते हैं गप्पे पुरानी सारी, और अच्छी तरह से टाइम स्पेंड करके वापस आते हैं। घर पे बच्चे हैं दोनों, और पापा को भी बोल दिया था कि शाम को टाइम से आ जाना, तो दोनों बच्चे टेक केयर करेंगे उनकी, कोको लूना की, और उसके बाद फिर शाम को पापा देखेंगे। तब तक मैं आ ही जाऊँगी होपफुली, अगर लेट हो गई तो शायद मैं स्टे करूँ। मेरा मूड तो यही है कि लेट नाइट में नहीं निकलूँगी अगर लेट हुई तो, अदरवाइज़ 6 बजे तक मैं सोच रही हूँ मैं वापस आ जाऊँगी। तो चलिए मिलवाती हूँ आपको मेरी फ्रेंड फिलोसोफर और गाइड से। हाँ जी, मैं तकरीबन 4-5 घंटे बाद वीडियो ऑन कर रही हूँ। मैं शायद इतने टाइम के बाद मिली थी, तो वो एक्साइटमेंट और वो सब अपना जो गुबार था वो सब अपने पेरेंट्स समझ लीजिए, फ्रेंड्स समझ लीजिए, फैमिली समझ लीजिए, उनके सामने खोल रही थी। बातों में ऐसा लगी कि मुझे बिल्कुल होश नहीं रहा कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए। जब मैं रेगुलर आती रहूँगी तब तो अलग चीज़ हो जाएगी ना, अभी तो मैं शायद 25 ईयर्स में पहली बार उनके घर आई हूँ, तो यहाँ आते ही एक अलग वाइब, अलग वो सब जो मिस हो रहा था पेरेंट्स का, और वो एक जो कहते हैं ना एक खालीपन था, वो गुबार जो था निकालना बहुत ज़रूरी था। तो वो निकालते निकालते में मैंने 4 घंटे गप्पे मारी और सब क्लियर किया, उनके साथ बात की, उनकी बातें सुनी, बहुत अच्छा लगा। और ऐसा लगा जैसे वाकई में पेरेंट्स के घर नहीं आते, मम्मी के घर आके पैर पसार के बैठ जाते हैं, बिल्कुल वैसे मैं यहाँ पे आके इजी हो गई थी। बट वो जो कहते हैं ना एक भारीपन था दिल के अंदर जब से मम्मी पापा गए हैं, तो वो चीज़ मिस हो रही थी कहीं पे, कि मुझे वो जो मम्मी वाला वो टच चाहिए था ना, वो मुझे यहाँ आके मिल गया। अभी मिलवाती हूँ मैं आपको उनसे, थोड़ा वो कंफर्टेबल होंगे तब मैं उनको लूँगी वीडियो में। मेरी उनके बेटे से बात हुई, उनकी डॉटर इन लॉ से बात हुई, उनकी पोती से बात हुई, बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा कि जैसे फैमिली के अंदर आ गई हूँ मैं, और ये तकरीबन 1-1.5 साल के बाद मुझे ये फीलिंग मिली है कि मैं मेरे मायके में बैठी हूँ। जाती थी भाइयों के घर जाती थी, वो अलग एक फीलिंग थी, तो यहाँ आके एक डिफरेंट सा मुझे फील हुआ जो मुझे मम्मी पापा के टाइम पर फील होता था। बहुत अच्छा लग रहा है, मन भी नहीं कर रहा कि मैं मतलब गप्पे छोड़ के और मैं वीडियो में जाऊँ, वीडियो बनाऊँ, बट वो भी काम ज़रूरी है। तो आपको अभी मिलवाती हूँ, अभी मैं दिखाती हूँ कि कहाँ कैसा इन्होंने घर बना रखा है, डेकोरेट कर रखा है अपने हस्बैंड वाइफ के हिसाब से। इन्होंने बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा है, लग्जरी हाउस बना रखा है उस हिसाब से। तो बस थोड़ी देर में अभी प्रॉपरली मिलवाऊँगी अपनी फ्रेंड फिलोसोफर गाइड और अब सब्सक्राइबर से। चलिए थोड़ी देर में आते हैं आपसे मिलने। हेलो जी, हेलो, वेरी सॉरी। मैं कह रही हूँ ना कि बताया भी था आपको अभी कि मैं इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई हूँ अपनी बातों में, इतना इन्वॉल्व हो गई कि मैंने कोई क्लिपिंग नहीं ली, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। मैं बस इस मोमेंट में जीना चाह रही थी, बस मैं इस मोमेंट को मतलब कहते हैं ना सहेजना चाह रही थी कि बस मैं एक भी मोमेंट मिस ना करूं। पता नहीं मैं दोबारा कब आ पाऊंगी, नहीं आ पाऊंगी, क्या सीन रहेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, इसलिए मैं सिर्फ उस मोमेंट को जी रही थी। मैं ना वीडियो पे ध्यान था, ना मेरा घर दिखाने पे, मिलवाने पे, कुछ मुझे ध्यान नहीं रहा। मैं बस 2-3 साल का अपना सारा भरा हुआ जो मेरा गुबार था वो निकालने में लगी हुई थी। तो बस गप्पे ही मारते रहे हम, सारी सुनती रही बताती रही बस यही करती रही। मैं पक्का कल सुबह पक्का आपको मिलवाऊंगी दोनों से, अंकल से भी और आंटी से भी, और वाकई में आपको पता चलेगा जो मेरे अंदर पॉजिटिविटी, मेरे अंदर ज़रा सी भी क्वालिटी अगर अच्छी कोई है तो वो ऐसे लोगों की वजह से है जो मेरे आसपास रहे हैं, जिनसे मैंने सीखा है, जिनको मैंने एडमायर किया है, जिनसे मैं फॉलो करके यहाँ तक पहुँची हूँ। जिन लोगों को मतलब आपके आसपास अगर अच्छे लोग होते हैं ना, तो आपकी लाइफ में कभी भी किसी भी मोमेंट पे आपको लेट डाउन नहीं होने देते। देखा, अभी भी मैंने पूछ लिया पर वो आएंगे नहीं वीडियो में, अभी वो सुबह ही आएंगे तैयार होके। अच्छा आओगे? ये अभी मैं आपको मिलवा रही हूँ, ये मेरी मैम। हेलो मैम, रह चुकी हैं मेरी फ्रेंड, रह चुकी हैं मेरी चाची, रह चुकी हैं, मतलब
इतने सारे रिश्तों का एक रूप है ये वीना मैम, जिनके जिनके कमेंट्स भी आप देखते हो मेरे ब्लॉग्स पे, हर हर ब्लॉग पे एक कमेंट इनका भी होता है, जैसे हरप्रीत जी पूजा जी का होता है। तो आज मैं इनको थैंक यू करने यहाँ तक आई हूँ कि जो इन्होंने सिखाया उस टाइम पे वो मेरे काम आज आ रहा है, और उसमें भी इनका सपोर्ट है सबसे बड़ी चीज़। थैंक यू। आराम से तसल्ली से कल सुबह मिलवाऊंगी, अंकल से भी मिलवाऊंगी, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मैं मतलब एक एक मोमेंट को जी रही हूँ, एक एक मोमेंट को इन्जॉय कर रही हूँ। कोई अडंबर नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, कोई मतलब ये नहीं है कि मुझे ऐसे बैठना है, ऐसे उठना है, ऐसे बोलना, ये बोलना ये नहीं बोलना, मुझे कुछ सोचना नहीं है। जैसे मैं अपने मम्मी के घर में जाके पसर जाती थी, मम्मी के घर जाके अपनी मर्जी का बना के खाती थी इसीलिए तो तसल्ली हो रही है कि भाई मैं अपने घर में हूँ, मेरा अपना घर है, मैं जैसे मर्जी रह सकती हूँ। तो बस अब गुड नाइट शुड नाइट करने आई थी आपको, कल मिलवाऊंगी अंकल से आंटी से अच्छे से, पता नहीं अंकल से तो मिलवा पाऊँ ना मिलवा पाऊँ, मेरे उठने तक वो निकल ना जाए, है ना। देखते हैं, कोशिश करूँगी कि अंकल को पकड़ लूँ मैं कल चलिए कोई बात नहीं, अब तो मैं सोच रही हूँ कि मैं आती जाती रहूँगी तो कभी ना कभी तो मिलवा ही दूँगी। बट वही है, प्यार मिल रहा है जहाँ से भी मैं बटोर रही हूँ, शायद इस उम्र में आके मुझे ये मौका मिल रहा है, अदरवाइज़ पता नहीं ये भी मिलता नहीं मिलता। तो चलिए कल फिर मिलते हैं अच्छे मूड, अच्छी सेहत और अच्छे दिन के साथ। तो गुड बाय फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। बाय।